पतंग की कन्नी बांधते हैं तो आगे वाली टांग छोटी रहते हैं, पर जब हवा हो तो आगे वाली टांग को बड़ा कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पतंग सीधे ही आने वाली हवा को नीचे ढकेल देती है। न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के अनुसार हवा पतंग को रिएक्शन फोर्स दे रहा है। जब हम आगे की टांग को छोटी रहते हैं तो पतंग आगे की तरफ झुक जाता है और आती हुई हवा से छोटा एंगल बनाते हैं और इसे एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। इस केस में रिएक्शन फोर्स ज्यादा ऊपर की तरफ होता है, इस ऊपर वाले कंपोनेंट को हम लिफ्ट भी कहते हैं, और इसलिए कम हवा में भी पतंग ऊपर की ओर चला जाता है। आगे की टांग जब पहले से थोड़ी लंबी होती है तब पतंग का एंगल ऑफ अटैक ज्यादा हो जाता है और लिफ्ट कम हो जाती है, इसलिए तेज हवा में भी ज्यादा लिफ्ट नहीं मिलता और पतंग कंट्रोल में रहती है। एक हवाई जहाज में इसका ठीक उलट होता है, वहाँ छोटा एंगल ऑफ अटैक होता है जिन पे एंगल बढ़ाने से ज्यादा लिफ्ट मिलता है। लिफ्ट का एक और कारण बर्नौली का सिद्धांत से मिलने वाला प्रेशर डिफरेंस है, जो उड़ती हुई पतंग में ज्यादा रोल प्ले नहीं करती।